नमस्कार दोस्तों। देखिए भाइयों, आज मैं जयसिंहपुर गांव में हूं और चोर साहब की आज आपको धान की भी खेती दिखाएंगे और थोड़ा सा इनका जो तरीका है फसल चक्र इन्होंने अपना रखा है और उसी के द्वारा ये खेती में बदलाव करके बोते हैं, तो अभी इनसे भी जानकारी लेंगे। हाँ जी, थोड़ा सा इसमें बताओ जी, आप ये धान की कौन सी वैरायटी जी आपकी? ये धान की 1509 वैरायटी ही लगाते हैं, क्यों आलू बोना है तो ये अर्ली मतलब थोड़ा जल्दी पक जाती है। अच्छा, थोड़ा सा इसमें जी अपने फसल चक्र के बारे में बताओ आप किस फसल तरीके। चक्र ऐसा है जी, अब फसल में फसल खेती बाड़ी मतलब खेती में कोई फसल हर वक्त फसल ही बोई रहे तो उसमें भाई ताकत जमीन में ताकत के लिए अब कूड़ी का खाद वगैरह तो कोई मिलता नहीं जी। तो हमारा है कि 50 बीघे हम हर साल जो सनी रचल हो गया बो के जी तैयार करते हैं और उसमें तब धान लगाते हैं और धान का फिर आलू और आलू का फिर गन्ना, ये हर साल का रोटेशन है जी। अच्छा, थोड़ा मिट्टी में ताकत मतलब बनी रहती है क्योंकि कूड़ी वगैरह खाद तो मिल नहीं पाता है। बिल्कुल। और केमिकल वगैरह हम बहुत मतलब कम यूज करते हैं, ज्यादा नहीं करते। अच्छा, गन्ने में केमिकल कम लगा रहे हैं? कम ही लगा जी। हाँ जी, बहुत कम जी। और कम ही यूज करना चाहिए जी इसका ज्यादा, तो देखो फिर इसमें जैविक हमने आलू बोया था वो भी मतलब ऑर्गेनिक था, हमारा 2 एकड़ के आसपास बोया था जी जी। गेहूँ भी कुछ ऑर्गेनिक कर लेते हैं, काला गेहूँ भी हमने बोया था इस साल। अच्छा, ऑर्गेनिक है हमारे पास। तो काला गेहूँ का क्या है जी, सही है था, उसमें कुछ फायदा है खाने का? बा हम तो उसी खा रहे जी, हमें तो अच्छा लग रहा है जी, जैसा बताऊं मैं, हमने टेस्ट वगैरह तो कोई कराया नहीं। अच्छा, उसमें मैं प्रोटीन वगैरह कुछ अच्छा बढ़िया बता मैं जी उसको, और खाने में ठीक लग रहा है? खाने में तो बहुत स्वाद है जी। अच्छा, बिल्कुल बहुत स्वादिष्ट भोजन है जी जी। तो बीज तो आपके पास में होगा कोई वैरायटी आपके? तो उस काले गेहूं की है हाँ थोड़ी बहुत। तो अच्छा, हम पिछले साल आगे तो ही बुआ जी, 75 के साथ ही बुझा पिछले साल, वहाँ से गुजरात से मंगाया था जी, हमें 80 रुपए किलो जी। अच्छा, जी जी। तो देखिए भाइयों, अभी जानकारी आपको मिल गई, फसल चक्र अपनाए और उसमें ज़्यादा अपना मुनाफा ले फसल में। फसल चक्र बहुत जरूरी है, खरपतवार भी जैसे धान लगा रहे हैं इसमें खरपतवार भी कम होता होगा गन्ने में जी। हाँ जी, समझ गया, चलो भी अब हो गया। बिल्कुल तो उसमें जो खरपतवार थे वे भी मतलब मोथा या और कबाड़ सभी फूक गए, मतलब जो अच्छी। हाँ जी, आज पाँच छह सात फुट का हो जा समय का, चलो गया 2 महीने का। हाँ फिर अपना जोतता हूँ। हाँ जी, फिर अच्छा मतलब ठीक खाद लग गया जी। अजो जी, ट्रंच में ही है बोरे हरी खाद जी? ट्रंच में हरी खाद हो नहीं पाती जी, हो नहीं पाती क्यों, गहरा खोड है तो उसका बेड बनता है, उसमें 60 दिन तक ऊपर पानी नहीं चढ़ता। बिल्कुल केवल खोड़ में पानी चलता है, जब ऊपर पानी नहीं चढ़ने का तो उसमें खरपतवार भी नहीं होती और उसमें जो कुछ बोते तो वो भी नहीं हो पाता। हाँ बिल्कुल हाँ, हो नहीं पाने। हाँ, उसमें पानी नहीं, जब पानी नहीं पहुँचने का तो कोई पैदावार नहीं होनी। बिल्कुल देखिए भाइयों, ये इनका आम का बाग लगा रखा है इन्होंने, भी छोटा है तो खेती भी ले रहे हैं इसमें, और ये इनका बाग जो है पुराना है और इन्होंने जो ये गांव के गोरे की जमीन है इसमें अपना यहाँ तक यो बाग आगे तक बढ़ा दीजिए अपने। हाँ, अपने इसमें तैयार हो जाएगा पूरा बाग। आम तो हो गए होंगे सुरविन पाने? हाँ जी, आज ऑर्गेनिक है जी, हमने सारे कोई दवाओं पर डालते हैं आम में। अच्छा, ऑर्गेनिक है सब कुछ जी। देखिए भाइयों, इनकी धान भी कितने बीघे धान लगा रखी होगी जी आपके? धान है जी लगभग 40-45 बीघे। अच्छा, धान है, इन्हीं का फिर आलू भी लगेगा? नहीं, आलू लगेगा। बिल्कुल, फिर गन्ना होगा? आलू का गन्ना जी। देखिए भाइयों, इनका जो है खेती करने का तरीका कितना अच्छा है, बिल्कुल फसल चक्र इन्होंने अपना रखा है और अपना बढ़िया ये आमदन ले रहा है अपने खेती से। और जैसा कि अभी जानकारी दी इन्होंने कि इसमें जो है ये बहुत कम खाद वगैरह रासायनिक खादों का बहुत ही कम उपयोग कर रहे हैं और अच्छी पैदावार ये अपनी ले रहे हैं। तो भाइयों, जानकारी ज़रूर पसंद आएगी। नमस्कार।